चहात गुंगीचे औषध टाकून आरोपीने महिलेवर बलात्कार केला व व्हिडिओ बनवला आणि तोच व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन महिलेला खंडणी मागू लागला. ही घटना तहसील पोलीस ठाण्या हद्दीत घडली असून महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन आरोपीस अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी आणि महिलेत एका शासकीय कार्यालयात ओळख झाली होती. ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. एकमेकांच्या घरी येणे जाणे सुरू झाले. या संधीचा फायदा घेत महिला आरोपीच्या घरी गेली असता आरोपीने महिलेच्या चहात गुंगीचं औषध टाकून महिलेवर बलात्कार केला. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने महिलेचा व्हिडिओ बनवून तिला ब्लॅकमेल करणे सुरू केले. आरोपीने आतापर्यंत महिलेकडून 5 लाख रुपये उलगडले आहे आणि महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन आरोपीस अटक केली आहे. आरोपीचे नाव राहुल सोनी असून त्याचा मित्र मंगेश अटवार याला पोलिसांनी अटक केली आहे. एक 38 वर्षीय महिलाने तहसील पोलीस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद तहसील पोलीस स्टेशन में CR नंबर 203/2024 IPCC सेक्शन 376 और एक्सटॉर्शन के धाराओं के तहत FIR रजिस्टर की गई है. उसमें दो आरोपी है. आरोपी राहुल कांतिलाल सोनी और दूसरा आरोपी है मंगेश हटवार. आरोपी राहुल सोनी के साथ महिला की पहचान एक शासकीय कार्यालय में हुई थी. बाद में उनकी पहचान हुई और पहचान दोस्ती में हुई तब्दील. आरोपी राहुल सोनी ने जब वो महिला उसके घर पे गई थी और एज पर कंप्लेंट आरोपी राहुल सोनी ने महिला को चाय में गुंगी का नशीली पदार्थ डाल के चाय दी और महिला जब नशे की हालत में थी तब उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो बना के वो महिला को ब्लैकमेल करता था और महिला ब्लैकमेल करके महिला से उसने 5 लाख की जो अमाउंट है वो अमाउंट ली है आज तक. और उस काम में आरोपी मंगेश हटवार राहुल की हेल्प करता था और उसको डराने में धमकाने में उसकी मदद करता था.